वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लीव मॉर्गन के बारे में। तो जैसा कि कल फादर्स डे था तो लीव मॉर्गन ने डोमिनिक मिशेरू को हैप्पी फादर्स डे डैडी बोला। वैसे भी गाइस करंट टाइम में लीव मॉर्गन और डोमिनिक मिशेरू की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। और आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि डोमिनिक मिशेरू खुद ही प्रपोज कर देते हैं लीव मॉर्गन को। देन आगे बात करते हैं हमारे बोरिंग यानी कि कॉर्डी रोड्स के बारे में। अब कॉर्डी रोड्स एकदम भी बोरिंग नहीं रहे हैं। कॉर्डी रोड्स फिर से अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। तो करंट टाइम में उनका स्टोरी लाइन काफी अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट कॉर्डी रोड से तो धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं सोलो शिकवा और पूरे ब्लडलाइन को बर्बाद कर दूंगा। और गाइस सोलो शिकवा ने जिस तरह का बिहेव किया कॉर्डी रोड के साथ क्लैश एट द कैसल में, लाइक कॉर्डी रोड के मैच के बाद वो उन पे अटैक कर देते हैं। अब तो कॉर्डी रोड बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले सोलो शिकवा ना पूरे ब्लडलाइन। वैसे गाइस रोमन रिंग्स तो नहीं है ब्लडलाइन में, तो ब्लडलाइन को लेके मुझे कुछ हाइप नहीं है कि वो कुछ भी करे कॉर्डी रोड उनके साथ। जिस तरह का बिहेव सोलो शिकवा हमारे डोरेमोन के साथ यानी कि पॉल हेमन के साथ करते हैं, बस वैसा बिहेव कॉर्डिडोर सोलो शिकवा के साथ कर दे तो मजा ही आ जाएगा मैच देखने। आगे बात करते हैं कॉर्डिडोर्स के मदर यानी कि मामा रोड्स के बारे में। अभी तक 2024 में मामा रोड्स ने दो सुपरस्टार को सबक सिखा चुकी है। एक तो दी रॉक और दूसरे रहे एजी शैल। एजी शैल ने इनफैक्ट थप्पड़ भी खाया है मामा रोड से। नेक्स्ट बात करते हैं अंकल हॉर्डी के बारे में। तो गाइस आप काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, कल ही आपको अंकल हॉर्डी दिखने वाले हैं रॉ में। वैसे आप लोगों में से अंकल हॉर्डी को देखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन आगे बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। तो रिसेंटली केविन ओवेंस फिन बैलर के टी शर्ट में दिखे। फिन बैलर का टी शर्ट डाल के ही अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गए थे। तो गाइस इससे लगता है कि शायद केविन ओवेंस और फिन बैलर के बीच अभी भी कुछ कनेक्शंस है। यार अब तो कॉडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन से भी बचना चाहिए क्योंकि रैंडी ऑर्टन का अभी सिर्फ और सिर्फ कॉडी रोड्स के चैंपियनशिप पे है। लाइक ऐसा दो बार देखा गया है जब रैंडी ऑर्टन कॉडी रोड्स के चैंपियनशिप को देख रहे भी बुरी नजर से। एक तो कल क्लैश एट द कैसल में देखे थे और उससे पहले भी एक बार देखे थे वो कॉडी रोड्स के चैंपियनशिप को बुरी नजर से। वैसे भी गाइस इन दोनों का तो मैच होने ही वाला है समरस्लैम में। हो सकता है कॉडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट समरस्लैम में, लेकिन लिटरली मजा आएगा ये मैच देखने में। देन आगे बात करते हैं सीएम पंक के बारे में यानी कि WWE 2024 में अगर सबसे ज्यादा किसी को हेट मिला है तो वो सीएम पंक। जैसा कि रॉ में डॉमडॉम को भी काफी ज्यादा हेटिंग मिलती थी, बट सीएम पंक अभी फर्स्ट में चल रहा है हेटर्स की लिस्ट में। वैसे गाइस इस बार के समरस्लैम 2024 को लेकर चार मैच अभी तक बोला जा रहा है कि ये मैच होने वाला है। तो हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रोड्स के बीच मैच देखने को मिलेगा। देन उसके बाद सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर भी भिड़ने वाले। इन दोनों की राइवलरी लिटरली देखने में मजा आ जाएगा। और उसके बाद डैमियन प्रीस्ट और गुंथर भी एक साथ भिड़ने वाले हैं। लास्ट मैच के बारे में बोलूं तो लास्ट मैच एलए नाइट वर्सेस लॉगन पॉल के बीच होगा। तो गाइस आप इस बार के समरस्लैम में किसका सबसे ज्यादा मैच देखने के लिए एक्साइटेड हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन आगे बात करते हैं सोलो शिकवा के बारे में यानी कि सोलो शिकवा को आपको मैच देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक यानी कि कॉडी रोड्स वर्सेस सोलो शिकवा का आपको मैच देखने को मिलेगा MITB में। और आपको बता दूं कॉडी रोड्स और डैमियन प्रीस्ट को चैंपियनशिप हुए लगभग 70 दिन हो चुके हैं और दोनों में से कोई भी अपनी चैंपियनशिप को अभी तक लूज नहीं किया है रेसलमेनिया 40 के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक के बारे में यानी कि आपको सीएम पंक का जल्दी रिटर्न देखने को मिलेगा। सीएम पंक को लेके बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि सीएम पंक का मेडिकल क्लियर हो चुका है यानी कि आपको सीएम पंक को लेके बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलने वाला लाइक 10 डेज के अंदर। इनफैक्ट सीएम पंक तो एकदम भी नहीं छोड़ने वाले ड्रू मैकइंटायर को। वो ड्रू मैकइंटायर को लेके बोलते हैं कि ड्रू मैकइंटायर इज नेवर गोना बी अ चैंपियन एवर अगेन आई प्रॉमिस दैट। मतलब सीएम पंक का मानना है कि वो ड्रू मैकइंटायर को कभी भी चैंपियन बनने नहीं देंगे। यार WWE क्या ही कर रही है ना, अब नेटफ्लिक्स में हम लोग को WWE देखना पड़ेगा। यार अब हम लोग को WWE देखने के लिए भी पैसा पे करना पड़ेगा, कहां से लाऊंगी इतने पैसे नेटफ्लिक्स देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जनवरी 2025 से WWE नेटफ्लिक्स में मूव हो जाएगा और ट्रिपल एच ने कहा है कि जैसे ही नेटफ्लिक्स में मूव हो जाएगा हम लोग तुरंत ही आपको WWE की सारी प्रोग्रामिंग दे देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओटिस के बारे में। ओटिस को काफी ज्यादा प्रेस मिल रहा है करंट टाइम में। जिस तरह से ओटिस अपने टीम मेंबर्स की हेल्प कर रहे हैं उसे देख के साफ लगता है कि ओटिस बहुत आगे जाने वाले हैं WWE में। और गाइस लिटरली ट्रिपल एच करंट टाइम में बहुत सारी डील साइन कर रहे हैं जैसे कि उनका WWE के साथ पार्टनरशिप मैरी गोल्ड नोआ ब्लड स्पोर्ट और भी बहुत सारे ब्रांड के साथ लिंकअप कर रहे हैं वो WWE को। गाइस ये ट्रिपल एच कितना ही पैसा कमाएगा वो हर जगह अपना ब्रांड एडवर्टाइज कर रहे हैं WWE के साथ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये कॉन्टेंट लाइक थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।